आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास दरभंगा लाइव क्लास में स्वागत है। आज हम फिर से एक नए सवाल के साथ आए हैं, एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिए। इफ यू मे हैव एनी डाउट यू मस्ट विल आस्क मी। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1 and -2-3। यहाँ पे क्या कहता है कि आपको एक ट्राइसेक्शन है, यानी एक लाइन सेगमेंट है। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम मान लीजिए हम ए और उसका नाम दे देते हैं हम बी। यदि वो है कि अलाइन सेगमेंट को क्या करता है, वो ट्राइसेक्शन में डिवाइड करता है। तो पहले मान लीजिए कि इसका हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, तो ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि लिख दिए हम, लाइन सेगमेंट है, तो 4-1, और बी का कोऑर्डिनेट हम लिख दिए -2 और -3। ठीक है, अब गौर से देखिए, ट्राइसेक्शन है मतलब एक लाइन को 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर मान लीजिए कि हम दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिए और एक पॉइंट ये ले लिए, अब देखिए इसका नाम देते हैं हम सी और इसका नाम देते हैं डी। ठीक है, तो वी हैव टेकन टू पॉइंट्स व्हिच बाइसेक्ट और यू कैन से व्हिच डिवाइड ए बी इनटू टी 3 इक्वल पार्ट्स। यानी अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे चूंकि क्या किया हमने, सी और डी दो पॉइंट्स ले लिया, तो अब सी और डी का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा वो हमें निकालना। तो सिंपल सी बात है कि ये पूरा अगर 3 है ना, ये पूरा क्या है, अगर हम इसको ट्राइसेक्शन में डिवाइड करने का मतलब ये है कि ये 3 पार्ट्स में होगा, एक पार्ट और एक पार्ट, तीनों का मान सेम है। तो अगर हम यहां से, अगर मान लीजिए कि ए से डी का पार्ट अगर हम गेन करें, तो ये कितना पार्ट हुआ, 2 पार्ट हुआ, और डी से बी का पार्ट कितना हुआ, तो ये हो गया 1 पार्ट। ठीक है, यानी अगर हम एडी, अगर हम इसको क्या करें कि एडी रेशियो अगर हम डीबी कर ले तो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला से मान लीजिए कि एडी इंटू डीबी, यानी m1:m1 जो हम फॉर्मूला निकाले हैं कि m1:m2, तो वो हो गया हमारा m1 की तरह हो गया 2 और डीबी जो हो गया m2 हो गया हमारा 1। तो सेक्शन फॉर्मूला से हम कोई भी निकाल सकते हैं। तो अगर मान लिया डी के लिए अगर हम निकालेंगे, तो मान लिया कि लेट डी को ऑर्डिनेट्स ऑफ डी, मान लीजिए डी का कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं एक्स नहीं लेते हैं, इसको ले लेते हैं एल और एम। ठीक है, हमने डी का कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिया, एल और एम ले लिया। पहले हम डी का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, फिर सी का निकालें, क्योंकि हमको दोनों का, डी और सी दोनों का निकालना है। तो डी का हमने क्या ले लिया कोऑर्डिनेट्स, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, तो इसको हम जब कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा उसको हम लिख लेंगे। तो डी का हम एल एम निकालेंगे, तो डी के लिए एल निकालने का मतलब हुआ कि एक्स का वैल्यू निकालना। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले हमको ए और बी का कोऑर्डिनेट्स लिखना होगा। तो ए का कोऑर्डिनेट्स तो आपको दिए हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है आपका, 4 और -1। तो यहाँ पे x1 कितना हो गया 4 और y1 कितना हो गया -1। इसी प्रकार b का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है -2 और -3। और यहाँ पे मान लीजिए इसको कि m1:m2 जो है वो क्या दिया हुआ है, 2:1। ठीक है, इतना समझ गया। तो अब हमको क्या निकालना है, l निकालना है। तो L बराबर क्या होगा, यानी फॉर्मूला होता है ना कि X बराबर, X और Y का फॉर्मूला, X बराबर क्या होता है M1, क्या होता है M1, क्या होता है X2 जोड़ M2, क्या होता है X1 बाय M1 प्लस M, ये होता है ना। तो हम L का, यानी L के जगह पे हम फॉर्मूला में लिखते हैं X, लेकिन यहाँ पे चूंकि अगर हम x लिखेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे l लिख रहे हैं। ठीक है, तो l का वैल्यू, यानी m का वैल्यू कितना हमने लिया, m1 का वैल्यू 2, क्या लिखेंगे 2 into, और x2 का वैल्यू क्या है, तो x में यहाँ हमने नहीं लिख पाया, ये हो गया x2 का वैल्यू हो गया -2 और y2 का वैल्यू हो गया हमारा -3। तो x का वैल्यू क्या लिखा मैंने, -2 जोड़ m1, तो m1 का वैल्यू कितना है हमारा 2,
यहाँ एम टू का वैल्यू क्या है हमारा वन, तो वन इंटू एक्स वन का वैल्यू कितना होगा हमारे पास फोर है। फिर यहाँ हो गया हमारा एम वन और एम टू, तो एम वन कितना है हमारा टू प्लस वन यानी हो जाएगा थ्री, तो टू टू जा माइनस फोर और प्लस हो गया फोर बाय हो गया टू। तो देखिए माइनस फोर प्लस फोर हो गया जीरो, जीरो बाई टू इसका वैल्यू हो गया हमारा जीरो, यानी एल का कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ जीरो हो गया है ना। अब हमको निकालना है किसका एम का कोऑर्डिनेट्स, यानी एल और एम निकाले हैं, तो एम यानी इसको हम लिखते थे ब्रैकेट में जैसे फॉर्मूला से वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बाय क्या लिखते हैं एम वन प्लस एम टू। और इस चैनल में हम इसके डिस्क्रिप्शन में हम सेक्शन फार्मूला का भी लिंक दे देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इसको फॉर्मूला को पुट कीजिए एम वन, तो एम वन का वैल्यू कितना है टू है, टू इंटू वाई टू का वैल्यू देखिए वाई टू का वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस थ्री है, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस थ्री प्लस एम टू का वैल्यू है वन इंटू वाई वन का वैल्यू कितना है तो यहाँ है माइनस वन बाय कितना एम वन प्लस एम टू, तो टू प्लस वन। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा थ्री टू जा क्या होगा माइनस सिक्स ठीक है, और प्लस माइनस वन यानी हो गया ये माइनस वन बाय हो गया कितना थ्री, तो ये हो गया कितना थ्री टू जा सिक्स और प्लस माइनस यहाँ हो गया गुना करेंगे तो माइनस हो गया आपका माइनस सेवन बाय थ्री, तो ये हो गया हमको डी का कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हमने मिल गया हमको क्या माने थे एल और एम माने थे, तो एल की जगह पर हमको मिल गया जीरो और एम के जगह पे हम मिल गया हमको माइनस सेवन बाय थ्री। तो हमको एक तो डी का निकल गया, अब हमको निकालना किसका है तो अब निकालेंगे हम सी का ठीक है, सी का निकालते हैं। अब देखिए हमको तो डी का निकल गया, अब हमको निकालना है सी का कोऑर्डिनेट। तो सी का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम देखिए अगर ए से सी का डिस्टेंस कर दे तो क्या हो जाएगा वन, और सी से बी का कर दे तो हो गया टू, ये हमारा रेशियो हो जाएगा। तो ए सी रेशियो सी बी बराबर क्या था वन इज टू टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन रेशियो एम टू इज इक्वल टू हो गया वन इज टू टू, तो यहाँ पे इसका रेशियो हो गया ये सेक्शन से फॉर्मूला से। अब यहाँ पे देखिए हमको पहले क्या लिखना होगा, तो ए का कोऑर्डिनेट्स निकला होगा जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके थे, ये लिखिए फोर माइनस वन है ना, और हमारा क्या है बी का कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या है बी का कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है माइनस टू माइनस थ्री। उसी प्रकार फिर से लिख देंगे एक्स वन बराबर हो गया फोर और वाई वन बराबर हो गया माइनस वन, सिमिलरली एक्स टू बराबर हो गया माइनस टू और वाई टू बराबर हो गया माइनस थ्री ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, तो फिर से मान लीजिए कि एल और एल का, तो लेट डी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, अब सी का कोई कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए क्या मानेंगे उसमें एल एम माने थे, इसमें चलिए हम मान लेते हैं पी और क्यू, तो पी जो है एज ए एक्स है और वाई, क्यू जो है एज ए वाई, तो पी बराबर क्या हो जाएगा पी यानी एज ए एक्स बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम फॉर्मूला में एक्स यूज करते हैं इसलिए हम यहाँ पे एक्स इंडिकेशन करते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज हो, ये होता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बाय एम वन प्लस एम टू, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए वैल्यू बैठाइए एम वन का वैल्यू कितना है, एम वन का वैल्यू हो गया हमको यहाँ वन, तो वन इंटू और एक्स टू का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस टू, प्लस एम टू का वैल्यू कितना है टू इंटू एक्स वन का वैल्यू कितना है फोर है बाय कितना हो गया एम वन प्लस एम टू, तो वन प्लस टू यानी हो गया वन को माइनस से गुना करें तो माइनस टू और हो गया प्लस फोर टू जाए एट बाय थ्री, यानी अगर हम एट में से टू घटा देंगे प्लस माइनस माइनस तो हो गया सिक्स बाय थ्री, यानी थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स इसका वैल्यू हो गया टू। तो यानी एक्स का वैल्यू हमको निकल गया कितना, यानी हमको पी का वैल्यू जो निकल गया कितना निकल गया पी का वैल्यू, हमने पी का निकाला, हम एक्स इसलिए रखे हैं ताकि फॉर्मूला में आसानी से आपको समझ सके। अब यहाँ पे देखिए हमको निकालना है क्यू का वैल्यू भी है ना, तो क्यू एज ए वाई क्योंकि क्यू का वैल्यू हम वाई के रूप में लिखते हैं इसलिए हम यहाँ पे वाई लिखे, तो इसका वैल्यू जो होता है एज ए वाई निकालते हैं वाई का फॉर्मूला में वैल्यू आ जाता है इसलिए हम वाई यहाँ लिख दिए हैं, इसका होता है एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बाय एम वन प्लस एम टू ठीक है, एम वन प्लस एम टू। अब यहाँ पुट कीजिए वैल्यू, एम वन का वैल्यू है वन इंटू
y2 का वैल्यू कितना है -3 प्लस m2 का वैल्यू है कितना 2 इनटू y1 का वैल्यू कितना है -1 बाय m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2 यानी हो गया -3 और ये हो गया प्लस माइनस माइनस 2 बाय हो गया 2 और 3 तो हो गया कितना माइनस माइनस प्लस 5 बाय 3 तो हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या होगा तो कोऑर्डिनेट्स यहां लिख लेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या सी का कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया तो सी का हो गया एक्स का वैल्यू हो गया 2 एल यानी पी का वैल्यू 2 और क्यू का वैल्यू हो गया -5 बाय 3 तो ये आंसर हो गया तो सी का ये हो गया और डी का कोऑर्डिनेट्स हो गया 0 और -7 बाय 3 तो हमारा यही दो सेक्शन है जो ए बी को ट्राई सेक्शन में डिवाइड करता है इसको अच्छे समझ लीजिए ठीक है बाय।